हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ परवल के पराठे बनाने की रेसिपी। परवल के सब्जी, भुजिया और इसके भरवा वाला सब्जी भी आप बहुत बार खाए होंगे, पर परवल के पराठे आप शायद नहीं खाए होंगे। तो एक बार बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पराठे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत चटकदार लगता है और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो आप इस तरह का पराठा बनाना ज़रूर पसंद करेंगे और आपके परिवार में भी सब लोग पसंद करेंगे। तो इसको बनाने के लिए परवल ले लिए हैं और इसके ऊपर ऊपर के स्किन को छीलकर दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे इस तरह से, और इसको धो लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने धो लिया है छील करके, और अब जो जिससे हम गाजर का हलवा बनाने के लिए कद्दूकस करते हैं उसी वाले से इस तरह से इसको कद्दूकस करेंगे। और ये बिल्कुल आसानी से होता है क्योंकि परवल एकदम नरम होते हैं, तो इसको बनाना, इसको इस तरह से कद्दूकस करना बिल्कुल ही आसान है। और आप देखेंगे कि इसको कद्दूकस करते समय इसके जो बीज है वो कद्दूकस नहीं होता है, क्योंकि बीज थोड़ा सा हार्ड होता है तो ये अलग हो जाता है और उसको हम अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हम बीज का इस्तेमाल पराठे में नहीं करने वाले हैं। और इस तरह से सारे को कद्दूकस कर लिए हैं हम, और ये देखिए सारे बीज आसानी से निकल गए हैं, क्योंकि बीज कद्दूकस नहीं होंगे, वो थोड़ा हार्ड होता है। और मैं कद्दूकस करते समय कढ़ाई बैठा दी थी गैस पर, और ये अब गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा तेल डाल करके। तो मैं यहाँ 2 चम्मच तेल डाली हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाल देंगे 1 पिंच, इसे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पर मैं हरी मिर्ची डाली हूँ, और ये प्याज डालेंगे। तो एक प्याज को मैंने बारीक थोड़ा सा कट कर लिया है, और यहाँ पर ये अदरक और लहसुन है तो मैं यहाँ पर पीस कर नहीं डाली हूँ, इसको भी कद्दूकस कर ली हूँ। और प्याज के साथ ही इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा भून जाने पर प्याज को, उसके बाद हम डालेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये काली मिर्च का पाउडर। तो मिर्ची और हल्दी पाउडर मैंने आधा आधा चम्मच लिया है, और काली मिर्च का पाउडर चौथाई चम्मच, और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर को मैं 1-1 चम्मच ली हूँ, क्योंकि जीरा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मसालों को हम कुछ सेकेंड के लिए ही भून लेंगे, सूखे मसाले हैं। तो फिर यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ जो परवल हमने कद्दूकस करके रखे हुए हैं। तो परवल में काफ़ी सारा पानी होता है, तो हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर, मसालों के साथ परवल को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाली हूँ, तो स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसको ढक कर 1 से 2 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एकदम कद्दूकस किया हुआ परवल है, तो इसको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो हम ढक्कन हटा कर इसको अच्छे से भुनेंगे, और अब हम इसको नहीं ढकेंगे, तो इसे ये जल्दी इसका पानी सूख जाएगा और ये एकदम से अच्छे से भुनेगा। और इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, और मैंने 1 छोटा टुकड़ा पनीर लिया था तो उसे मैं कद्दूकस करके और उसे भी मिला दी हूँ, इससे बहुत अच्छा लगेगा पराठा। और यहाँ पर इसको भी मिला लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ 2 बड़े साइज़ का आलू को बॉईल करके और इसे मैश कर ली हूँ, और अब इसको भी मिला देते हैं। इसको अच्छे से सारे को मसाले, परवल के मसाले और आलू को मिला लिए हैं, और अब हम इसको निकाल लिए हैं एक बर्तन पर। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम, उसके बाद ही हम इसके पराठे बनाएंगे। जब तक परवल ठंडा हो रहा है हम यहाँ आटा लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आटा में थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, और ये अजवाइन ली हूँ 1/2 चम्मच। तो इसको हम इस तरह से हथेली में थोड़ा सा रगड़ लेंगे, इसे बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घी, तो ये 1 छोटा चम्मच है, और मैं इसे 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो घी डालने से बहुत अच्छा पराठा बनता है, बहुत अच्छा स्वाद लगता है। तो अब इन सभी चीज़ों को, नमक, अजवाइन और घी को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे सूखे हुए को ही, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका जैसे हम डो तैयार करते हैं आटा का ना, उसी तरह से हम इसका डो तैयार करेंगे। हम एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा, और गीला हुआ आटा का पराठा उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसको एकदम नरम और सॉफ्ट आटा इस तरह से गूंथ करके और तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इसे गूंथ लिया, इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो जितने अच्छे से आटा मिला मिला करके गूंथेंगे उतना ही अच्छा से पराठा बनता है, या इसके फुलके भी या पूड़ी भी। तो आटा को लगाने में यही बात का ध्यान रखना होता है कि हम इसको बहुत अच्छे से मसल मसल करके मिला लें।
आइए अब हम पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पर पराठा मैं बनाने के लिए थोड़ा रोटी जितना बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लोई ली हूँ, क्योंकि हमें इसमें परवल के मसाले इसमें भरने हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से चकले पर ही गोल गोल घुमा करके इसको गोल कर ली हूँ। और इसमें अब ऊपर से आटा लगा लेते हैं इस तरह से, और इसका हम कटोरी को शेप देंगे और इसमें हम परवल के मसाले भरेंगे। तो इस तरह से अंगूठे की मदद से हम इसका कटोरी बनाएंगे। ये देखिए कटोरी का शेप देंगे इसको, और अब हम इसमें परवल के मसाले भरेंगे। तो यहाँ पर मैं चम्मच से भर रही हूँ, और इस तरह से हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालेंगे परवल के मसाले। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत एकदम भरा भरा सा रहेगा पराठा। तो आप चाहें 1-1 चम्मच का भी डाल सकते हैं इस तरह से, और इसमें को हम हल्का से दबा लेंगे चम्मच से, तो इससे पराठे बाहर नहीं निकलेंगे। और इसको अच्छे से इस तरह बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से मैं इसका एक्स्ट्रा आटा भी नहीं निकाल रही हूँ, इसको इसी में इस तरह से दबा देंगे इस तरह से, और इसको फिर से एक बार गोल कर लेंगे। और इसमें हम आटा लगा लेंगे, सूखा हुआ आटा लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। देखिए ये अच्छे से बंद हो गया है, तो हम इसमें आटा लगा लेते हैं थोड़ा सा। आटा लगा करके बेलने से ये चिपकेगा नहीं बेलन पर। ये देखिए मैं इसको अब बेल लेती हूँ इस तरह से, बिल्कुल आसानी से बेलने में सुविधा होती है और ये चिपकता भी नहीं है। ये देखिए इसी तरह से हम इसको बेल लेंगे, कितना आसानी से बेला गया, कहीं भी नहीं चिपका। अब बिल्कुल इस तरह से बेल करके और बनाएंगे। अब हम इसको, मैं अभी गैस पर तवा रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और अब इसको हम पराठे को डाल देते हैं। तो यहाँ पर तवा गर्म हो गया है, पराठे को डाल दी हूँ मैं, और इसको अच्छे से एक साइड पकने देंगे, उसके बाद ही दूसरी तरफ पलटेंगे। पराठे अच्छे से पकेंगे, ये देखिए दूसरी साइड भी इस तरह से अच्छे से सेक लेंगे, और इसमें हम घी डाल देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड ही अच्छे से घी डालेंगे, तो घी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पराठे में घी ना हो तो पराठा पराठा ही नहीं लगेगा। और अगर आप रिफाइंड तेल खाते हैं तो रिफाइंड तेल ही डालें। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हम इसमें घी डाल देंगे, और ये हमारा परवल का पराठा एकदम रेडी है। पराठा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने का, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा था। और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और ये मेरा एक पराठा बन करके रेडी है, और अब मैं दूसरा पराठा, जब तक ये पराठा पक रहा था मैं दूसरा भी बेल करके रेडी कर ली थी, और ये दूसरा पराठा भी मैं डाल दी हूँ तवे पर। इसको अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से, और इसमें भी हम घी इसी तरह से डालेंगे, घी या फिर रिफाइंड तेल। अगर पराठा में घी या रिफाइंड तेल ना डालें तो सूखा सूखा सा लगता है, तो हम इसमें घी या फिर रिफाइंड तेल ज़रूर ही डालेंगे, इससे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इस पराठे को किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही चटपटा लगता है। और इसमें आपको सब्जी या फिर चटनी या फिर भुजिया के साथ या फिर तरी वाले सब्जी के साथ या फिर दही के साथ या किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और ये देखिए आज का हमारा नाश्ता बन करके रेडी है। नाश्ते के सामने आपको बाहर के नाश्ते बिल्कुल फीके लगेंगे, छने हुए कचौड़ी समोसे वगैरह ये सब बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगेंगे। ये एकदम हेल्दी पराठा है, घर का बना हुआ, और साथ में मैं बनाई हूँ ये टमाटर और चना दाल की चटनी। तो मैं इसमें तड़का लगाई हूँ मिर्ची, करी पत्ता और सरसों के, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह का नाश्ता आप भी घर में बनाएं और बाहर का खाने से बचें, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है। और मैंने पूरे परिवार के लिए आज यही नाश्ता है। तो दोस्तों आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।